आपने सूर्य कहाँ देखा हो? आओ बाहर आना पड़ेगा ना। कोई पूछेगा भगवान कहाँ? आओ सेंटर में आओ, दिखाता हूँ आपको कैसा भगवान आता है, है ना? तो अंदर आना पड़ेगा ना। इसलिए आत्मा का बाप है, समझ में? ऐसे स्वामी नारायण का एक गुरु था, वो कहते थे आप श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो। स्वामी जी हम तो छोटे बच्चे हैं, गलत हो सकता है, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप बताओ ये गलत है ये सही है, दिखाओ। हम कहते हैं गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आता है, आप आके देखो और बताओ मुझे गलत है। आया, कार लेके आया, आगे आगे बिठाया, बिठा के देखा, अरे आज पता चला मैं बचपन से पीएचडी कर रहा था, स्वामी नारायण का गुरु है बड़ा। तो कहता मैं बचपन से सोचते थे ब्रह्मा कुमारी का दिमाग खराब तो नहीं हुआ है, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, निराकार शिव को भगवान मानते। हमने कहा तब से आज पता चला, जब तक देखेंगे नहीं, जब तक बाहर जाएंगे नहीं, तब तक धूप की धूप क्या पता चलता, अंदर बैठ के नहीं पता चलता। आत्मा शरीर के भान से बाहर आओ तब पता चलता है परमात्मा की शक्ति क्या है। शरीर में रहते हुए अगर आप भगवान को देखना चाहते हो संभव नहीं है। अगर यहां बैठ के मुझे धूप दिखाओ, सूर्य की किरणें कैसी आती दिखाओ, संभव नहीं है। बाहर आओ, सूर्य बाहर है, छत के नीचे कैसे आएगा अंदर? सूर्य की ताकत क्या है, गर्मी क्या है देखना चाहते हो बाहर आओ। भगवान क्या है देखना चाहते हो, विधि बताए, अशरीरी बनो, शरीर को भूलकर आत्मा को जागृत करो, वो आत्मा का बाप है, आत्मा उसको अनुभव कर सकती है। ऐसे आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद है रामकृष्ण परमहंस के पास गया, भगवान कौन है दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूं, लेके गया नदी में स्नान करो, पहले स्नान करने गया, मुंह को दबा के रख दिया पानी में, बाहर आना नहीं दिया, अरे श्वास लेने के लिए तड़पने लगा, तब का श्वास लेने के लिए इतने तड़प रहे हो, इतनी तड़पन चाहे भगवान को देखने के लिए, ऐसे भगवान चलता फिरता मिलेगा क्या? मनुष्य ऐसे कहते हैं भगवान का है देखा हो, कहा शिव बाबा का है, हाँ देखने के लिए आओ, धूप कैसी है, कितनी तेज है, बाहर आओ दिखाता हूं कैसे धूप आती है, सूर्य की किरणें कैसी है, हर चीज की विधि विधान। तो जो सुनते नहीं है तो वो ऐसे के ऐसे रहते है ना। अगर जो सुनता है ना, भाई जी आप कहते हो धूप चाहिए, बहुत ठंडी लग रही है, आओ बाहर थोड़ा पैदल चलो, हाँ यहां बैठे हुए भगवान को दिखाओ, वो चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, विधि है।